वसूली भाई तो जब ये रोल आपको ऑफर हुआ तब आपको कुछ जिच थी कि कॉमेडी या या थिएटर के दोनों में बहुत किया था कॉमेडी थोड़ा हिला तो थो था मैं सिनेमा की कॉमेडी करना और थिएटर में कॉमेडी करना बहुत अंतर होता है लेकिन मैंने उसको शिद्दत के साथ किया और रोहित जी ने मुझे बड़े प्यार से वो वसूली भाई कराया और मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हिट हो जाएगा जब ये चाइना गेट आई थी तो हमें इतनी कमाल चीज लगती थी कि ये गुंडा है एकदम गब्बर सिंह की टक्कर का आया है और वो बुंदेल घंटी में बात करता है मुझे जम कर ओमपुरी साहब भी थे उसमें उनका जो लाफा मारने का तरीका था वैसा लाफा किसी ने मारे ही नहीं होम सर लाफा मारते थे वो झंझानाट पैदा कर देता था क्या इरफान भाई साहब का तब मेरी और इरफान भाई की फाइट थी और इरफान भाई बहुत चुड़े हुए थे अब उनके हाथ में वो एक था वो जमीन खोदने का एक वो तो मैंने वो यार मुझे ना चढ़ दे मैंने फिर उसमें फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन में, में, में। अमरीश जी से मैंने गलत तो, क्वेश्चन पूछ लिया क्या पूछा सर आप कैरेक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं सर तो ऐसे देखे मेरी तरफ डायरेक्टर की सुनो बस तो चले गए मैं मैंने यार धक्के चले गए मैंने कहा क्या बेवकूफ़ी का क्वेश्चन पूछा यार नसीर सर की क्लासेस करीब अठारह घंटे की क्लास वो लेते थे नसरुद्दीन शाह सर क्या होता था अठारह घंटे उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वॉन्ट मेरी कोई एक वॉन्ट है आपको नहीं पता चलना चाहिए मेरी क्या वॉन्ट है लेकिन मैं अपनी वॉन्ट आपसे पूरी करा के निकल जाऊंगा <laughs> सारे लोग डेढ़ हजार लोग बैठा देख रहा है कि भाई ये लड़का करेगा क्या तो एक अभिनेता ने वरिष्ठ अभिनेता थे नसीर सर से पूछे कर पाएगा क्या तो नसीर सर पलटे और बोले तो आप भी तो कर ही रहो

तो नहीं तुम बैठो, आ, तुम चढ़ा के ये जो सोकॉल्ड सुपर स्टार्स हैं सनी देओल हो गए अक्षय कुमार अजय देवगन आमिर खान शाहरुख खान आपने इन सबके साथ काम किया है ठीक ठाक वर्ग है थोड़ा प्यूल्टन अप्रोच वाला जो, जो ये कहते हैं यार ये सुपर स्टार तो हैं पर एक्टर तो, तो वो खारिज करते हैं मुकेश तिवारी के फेस से जनता थिएटर में नहीं आने वाली एक फेस वैल्यू तो होनी चाहिए लेकिन इस कमर्शियल सिनेमा में इस रियलिटी को नहीं नकारा जा सकता कि नायक नायक है हमारे एक कक्का थे गांव में वो कहते थे कि किसी आदमी को समझना हो तो उसको उसके ध्यान में मत देखो उसकी बेध्यानी में पढ़ो ये अभी हम लोग बैठ के शुरू करने वाले थे न्यूज रूम की तो उसके पहले हमारे आज के जो मेहमान हैं उनको माइक लगाया गया और ये साउंड वाले लोग और उनके बीच एक संवाद चला जिसमें आखिरी उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं वैसे भी लाउड एक्टर हूँ तो हमने सुना था सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर के बारे में पर ये बहुत कम ही लोगों को आता है और आते आते ही आता है पर सिर्फ यही नहीं आता है हमारे जो आज के मेहमान हैं खास उनकी पॉपुलर पहचान का एक प्रमुख रस है पर इकलौता रस नहीं है और सबसे पहले हमने उन्हें जब देखा और समझा तो वो जुगुफ्सा और भय का रस था और हमें व्यक्तिगत तौर पर बड़ा लुभाया क्योंकि हम आते हैं बुंदेलखंड से वो भी आते हैं बुंदेलखंड से बीच में एक दीवार है जो कि सीमेंट की नहीं राज्य की है बुंदेलखंड हम जानते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है तो हमारी बुंदेली में बड़े भाई को दद्दा बोलते हैं ये वाले हमारे दद्दा सागर से आए हैं एनएसडी के बैच ऑफ 91 के स्टूडेंट रहे हैं बहुत कमाल के एक्टर हैं हालांकि इंटरव्यू शुरू करने के पहले हमने इनसे क्या ही दिया और आपसे क्या ही छिपा है तो मैं दोबारा कह देता हूँ हमको ऐसा लगता है कि दद्दा का जो आ, एक्टिंग का रेंज है उसके हिसाब से अभी बहुत कम रोल इन्होंने किए हैं पॉपुलर रोल खूब किए हैं तो अब मैं और उत्सुकता को आपकी नहीं बढ़ाऊँगा और न्यूज़ रूम में आज हमारे साथ बैठकी के लिए आए हैं वो एक्टर जिनके बड़े पर्दे पर डेब्यू के 25 साल पूरे हो चुके हैं ऐसे बहुत कमाल के बहुत हरफन मौला मुकेश तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जय हो हो जय बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं जब ये चाइना गेट आई थी तो कुछ लड़के तो जाते थे उर्मिला को देखने के लिए <laughs> और बहुत सारे लोग जाते थे डकैत को देखने के लिए और हम लोग थे बुंदेलखंड के है ना तो हमें इतनी कमाल चीज लगती थी कि ये गुंडा है एकदम गब्बर सिंह की टक्कर का आया है और वो बुंदेलखंडी में बात करता है ये कैसे हुआ क्योंकि हमें पहले चाइना गेट के डायलाग अंग्रेजी में मिले थे तो मेरी समझ में नहीं आया तो राजीव अंग्रेजी में मतलब रोमन में लिखे थे या अंग्रेजी में ही अंग्रेजी में थे? ही थे तो राजीव ने तब काम नहीं शुरू किया था हुँ. तो मैं राजीव बोले इसका हिंदी तर्जुमा कर लेना बोले ठीक है सडनली मुझे ध्यान आया कि इसको बुंदेली में करें तो ज़्यादा अपील होगी क्योंकि मेरा ये मानना है कि बोली बहुत अंदर तक लोगों पर असर करती है और उनकी मेमोरी को बहुत समय तक कैप्चर रखती है और सिर्फ मैं लहजा नहीं लाना चाहता था क्योंकि बुंदेली को मैं जिस तरीके से बहुत ही गहन बोली है बड़ी गूढ़ बोली है बहुत सारे अर्थ हैं उसमें बहुत ज़्यादा और तभी शायद ईश्वरी जी फागें लिख पाते हैं हाँ। और तो मैंने कहा इसका सरलीकरण करके मैं करता हूँ कि क्योंकि यदि ठेठ यदि बुंदेली बोलता तो शायद क्योंकि यदि आप हिंदुस्तान का सिनेमा देखें या फोक भी देखें तो हिंदुस्तान के दस बड़ी कल्ट सिनेमा हैं उन सब में बोली का प्रयोग हुआ है लास्ट में आप लगान भी देख सकते उसमें हाँ, कर हाँ, कर हैं उसमें अवधि गंगा जमुना आप देख लीजिए नया दौर फिल्म आप देख लीजिए सब में बोलियों का प्रयोग और वो लोगों को अपनी लगती है क्योंकि उससे ग्रामर टूटता है क्योंकि भाषा का एक व्याकरण होता है बोली का व्याकरण नहीं होता बोली का अपना एक मन होता है जो मन से जुड़ता है आपको तो so, मैंने कहा ये अपील कर जाएगा और और फिर उस पर हम जुटे और बहुत सारे डायलॉग ऐसे थे जो बहुत कठिन थे जिसका सरलीकरण करना, करना बहुत कठिन था तो फिर उसके लिए हमने दूसरे फ्रेजेज बोलियाँ जैसे कुछ डायलॉग्स कट भी गए हैं कि आगे जैसे, जैसे कि आगे डंगर डोली उठा के अच्छा डंगर डोली हतो हाँ डंगर डोली में हतो तो लेकिन बब प्रश्न ये बात को आओ कि यार समझ में आया कि नहीं आया डंगर डोली क्योंकि हमें तो समझ में आ रहा था लेकिन अब पूरे विश्व की ऑडियंस को समझ की बात कर रहे हा, हा, हा। <laughs> तो वो जैसे हमारे यहाँ एक शब्द है कि अभारो हो जाए अभारो मीन अपने आप हो जाएगा तो मान लो अभारो यूज उसमें कर देता चाइना गेट में तो शायद मुझे लगता है कि डिफिकल्ट हो जाता आम ऑडियंस के लिए समझ तो एक सरलीकरण करके उसका प्रयोग किया था और मुझे लगता है की वो एक सीमा तक वो सफल भी रहा लोगों की मेमोरीज नवी भी डलग है क्योंकि वो लहजा और बोली निश्चित तौर पर बहुत ही मन तक असर करती है बहुत गहरे तक असर करती है हाँ और कौए के रूपक का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ कौआ चील ये हाँ। सब क्योंकि पहले एक थाट आया था मैं उसी से डिस्कस कर रहा था तो मैंने बोला मैं घोड़े से बात करूँ क्या तो मैं घोड़े से ही अपना क्योंकि पूरे सीन घोड़े के ऊपर है था तो घोड़े से ही एडवाइस लेता रहता हूँ पर वो वर्कआउट नहीं हो रहा था उससे ग्रेंजर जा रहा था तो क्या हो रहा था ग्रैंजर मतलब ये एक बड़ा जेस्चर लार्जर देन लाइफ नहीं आ पा रहा था घोड़े तो के पास तो आप ऐसे जाके बात करते हो तो फिर छोटा हो जाता है आप ऐसे जाके बात करते हो तो इट लुक्स लार्जर इन लाइफ तो बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है जब वो चील से और कौए से बात कर रहा है तब वो फील आ रहा तो है क्योंकि वो फ्रेम खुल गया और आपको मैं चीज सुनाऊं कि वो बाकायदा वहां पे एक जानवर काट के डाला गया था कि चील वो कौ बुलाने के लिए गिद्ध बुलाने के लिए कर्नाटक में और मैं नकली गन में पूरा फायर भर के छुप के बैठता था जब वो आ जाते थे तो मैं फायर करता था तो गिद्ध उड़ते थे और गिद्धों का आकार मतलब मैं समझ नहीं सकता मैंने इतने निकट से इतने विशाल काय गिद्ध नहीं देखे तो वो मतलब मैं कितना अंदर से डरा हुआ होता था लेकिन चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस लाके में उड़ाता था, था फिर स्टॉट देता था कि गोली चलन लगी करन लगी का है का है तो वो एक अलग आल्हाद अलग, अलग उन्माद और उसका बड़ा आनंद था कहाँ पे शूट करे थे आपने कर्नाटक में गंगावती शूट की थी हम्पी के पास है और तब राज्य ने पूरे के पूरे एक बड़े इलाके को पूरा पेंट करा दिया था उस समय कॉस्ट हुई थी फोर्टी लाख रुपीस और हमारा सेट लगा था डेढ़ किलोमीटर के एरिया में हाँ। तो जब एक हेलीकॉप्टर बुलाया गया शूटिंग के लिए तो चौपर वाला कहीं और चला गया उसको लगा ये रियल गांव है सो तो करीब एक डेढ़ हज़ार जूनियर आर्टिस्ट होता था पूरी मुंबई की वेनेटी वेंस वहाँ पे होती थी और लोगों को पता चल जाता था कि जब वेनिटी वेंस नहीं मिल रही मतलब चाइना गेट की फिल्म की शूटिंग चालू हो गई अच्छा

दो बातें इसमें मैं कहूँगा कि हमारे गुरु पंडित सत्यदेव हम देवी जी हमेशा कहा करते थे कि यदि आप ईमानदारी से थिएटर करोगे तो थिएटर उसकी कीमत आपको चुकाता है और मैं ईमानदारी से दिल्ली में थिएटर कर रहा था और बरखा तक सब प्लेस चल रहे थे रेपट्री के लिए रेपट्री में तीन साल किया क्योंकि वो उस साल मैं रैपट्री छोड़ने वाला था क्योंकि मुझे लग रहा था मैं तनखैया होता जा रहा हूँ अब मैं मेरी जिंदगी साढ़े तीन हज़ार की आदत साढ़े तीन चार हज़ार के आसपास ही तेरह सौ मदर डेयरी में दे दूंगा किराए पे बाकी मैं दो हज़ार रुपये में गुजारा कर लूंगा तो वो, वो उसकी आदत मुझे पड़ती जा रही थी उनमें मेरा साहस धीरे धीरे कम होने लगा था जो रिस्क लेने का जो फैक्टर होता है कि नहीं यार मुझे कुछ करना है नहीं मुझे नया कुछ रख तो मैंने बोला छोड़ता हूँ सागर वापस जाएंगे अपनी रेपड्री बनाएंगे अपने खेत में खेती करेंगे और किसी को कोई किसी से अनुदान लेने की आवश्यकता नहीं है एक्टर अपनी खेती बाड़ी करेगा और इसी खेती से अपना उपार्जन करेगा और अपना जीवन चलाएगा और सम्मान से हम सब जगह शो करेंगे वो मैं आगे भी करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि एक कलाकार का सम्मान नहीं मरना चाहिए क्योंकि थिएटर के परिवेश में जो है ना कि बड़ा पाव खिला के आप थिएटर कर दो वहीं उसका परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि एक्टर का खत्म हो जाता होगा क्योंकि वैसा लगता है हम सिर्फ बड़ा पाव के ही काबिल हैं तो उसका आत्मसम्मान ना मरे इसलिए मैं करूँगा आगे दूसरा एक रीजन है अक्सर अपने आप से कहते हैं ना बिल्कुल कि मैं आगे जाके सागर में रिपटरी करूँगा बिल्कुल करूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक समय के बाद जब तक शारीरिक बल या काम है वो है एक ऋण है मेरा मेरे ऊपर थिएटर का और क्षेत्र का भी एक ऋण है मुझे बुदेलखंड ने दिल खोल के प्यार किया है अपने बच्चे जैसा एक एक घर में मुझे लोग मानते हैं और मैं चाहता हूं कि भले अच्छे कलाकार ना पैदा हो अच्छे दर्शक तो पैदा हो सकते हैं और रंग कर्म करके अच्छा थिएटर करके हम अच्छे दर्शक पैदा कर सकते हैं उसका भी समाज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सो so, सॉरी उस पर भूल गया मैं कि पंडित दुबे जी कहा करते थे कि रंगमंच करोगे तो वो एक दिन आपको आपकी अपनी कीमत चुकाएगा दूसरा मेरे एक प्ले अग्नि और बरखा प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था गिरीश कन्नाट जी का लिखा हुआ नाटक है उसका वर्ल्ड प्रीमियर हमने यहाँ किया था वर्ल्ड प्रीमियर मतलब हम वर्ल्ड प्रीमियर गर्व से बोलते हैं क्योंकि पहला शो हमने किया था ये उन्नीस सौ की बात है बिल्कुल छियानवे में उसका शो ओपन हुआ था और प्ले बहुत हिट रहा था बड़ा गुड प्ले था और लगभग डेढ़ दो महीने रिहर्सल करने के बाद फिर सरना जी जैसे डायरेक्टर रियलिज्म के मास्टर और उनका मुझे अभी भी याद है कोई भी प्रश्न पूछा तो एक ही वर्ड बोल देते इडियट अच्छा एक एक वर्ड में फॉमस हम इडियट बोल देते हम समझ जाते थे हाँ इसका उत्तर ये तो बट प्यार से होता जैसे

ऐसे बढ़ते थे अपना एक साउंड आडियट आप अपने आप पीछे हुए आप अपने काम में लग गए कई बार हम स्टूडेंट के तौर पर खामा खा के प्रश्न भी बहुत पूछते हैं ना कि ये चकल्लस के चकल्लस लिए। के लिए चक्कर में भी और थोड़ा सा किस जताने के लिए कि मैं भी हूं इस बैच में हाँ। तो कई बार खाम खा का लिए हमका लिए हमारा भी नोटिस लिया जाए तो वैसा है कि हमें आपके बैच में हमारे बैच में आशुतोष राणा जी थे यशपाल शर्मा सतीश तो पर सतीशी से दो लोग कैसे एम पी से तीन थे

ईश्वरी के लेके बहुत सारे लोकगीत भी मिलेंगे अलग अलग गायकों की उसमें मेरा जो सबसे प्रिय है वो है चलती बे नज़र भर हेरो आप गूगल कर सकते हैं मन भर जावे मेरो का हाथ विदा की वेला है ना दूसरा यहाँ पर जिक्र आया रिपर्टरी का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है आ, उसका एक रंगमंडल है जो एन से पास आउट लोग हैं वो उस रंगमंडल में काम करते हैं और नियमित नाटकों का मंचन करते हैं और वो एक एक एक्टर सैलरी पर वहाँ होता है यूँ समझ लीजिए आप कई इंटरव्यूज में जिक्र सुना होगा आपने बज्जू भाई का जिक्र सुना राम गोपाल बजाज उनके साथ हमने गेस्ट इन द न्यूज़ रूम डिटेल में रिकॉर्ड किया है आपको इस न्यूज रूम बैठ के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा ये तीन बातें हो गई सत्यदेव दुबे बहुत बड़े थिएटर गुरु हैं मुंबई उनका ठिया है उनका बेस है और मानव कॉल समेत कई लोग उनके किस्से सुनाते रहते हैं दुबे जी के कई वो भी बहुत अतरंगी तबीयत थे के, बिलासपुर और वो भी तब बिलासपुर हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो ये अब तक के जी बैच पारिभाषिकब्दी वन बज्जू भाई हाँ तो उन्होंने फिर कोशिश करी और उन्होंने तर्क दिया तब हम लोग सिलेक्ट हो पाए क्योंकि हमारे सामने अब कोई विकल्प बचा नहीं था क्योंकि मैं छात्र राजनीति में जाना नहीं चाहता था और खेल कूद लगभग बंद हो चुके थे तो मैं अपनी आपने कहा कि माला टंग जाती हाँ क्या धतक्रम चल रहे थे वही था कि बुलेट पे घूमते थे कट्टा फसाए हुए क्योंकि फैशन में था और तब पहचान का भी एक रहता था कि नहीं हो कट्टा तो बड़ी मुश्किल बात है तो, सागर में चल रहा था ये सागर, सागर में सब में तो सब विश्वविद्यालय तो आप बड़ी जा रहे होते क्योंकि आपकी ऊर्जा सही चैनल में नहीं जा रही होती है और करने की बहुत तमन्ना है क्योंकि ये सोचा हुआ था कि रंगमंच करना है ये बिल्कुल तय बात मतलब हम लोगों ने लेकिन ये ये जो ये द्वैद है तस्वीरों का बुलेट पे एक बालक तवंचाए घूम रहा है और करना थिएटर जाता है।, है, है, है।, है, है कि मैं अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ ये भी छोटे परिवेश में बड़ा मुश्किल होता है कि आपकी अभिव्यक्ति सुनी जाए आपके मन में क्या चल रहा है उसको समझा जाए और रंग कर मुझे ऐसा माध्यम लगता था कि इससे मैं अपने आप को व्यक्त कर सकता हूँ मैं अपनी ऊर्जा इसमें डाल सकता हूँ वो सही चैनलाइज कर सकता हूँ तो वो एक था सागर में करते थे खूब नाटक आप खूब नाटक तो नहीं करते थे साल में दो नाटक करते थे और लेकिन सिंसियरली करते थे और यूथ फेस्टिवल्स के लिए हम लोगों की तैयारी ज़्यादा होती थी और वहीं बनारस में मैं पहली बार वेस्ट जोन से पार्टिसिपेट करने गया था कहाँ बी एच यू थे बी एच यू में तो पूरा यूथ फेस्टिवल चार जोन्स में बटा हुआ है नॉर्थ साउथ वेस्ट तो हम वेस्ट जोन में आते हैं तो वहां पे पहली बार मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नाम सुना था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का क्योंकि उसके तो पहले मुंबई के बच्चों से हाँ क्योंकि उनका शो उन्होंने डायरेक्ट किया था तो हम शो हार गए तो बड़ा दुख हुआ हमने अंधा छोटा सा पीसेस ले लेके एक नाटक ने अब लिखा था युग प्रश्न जिसमें आरक्षण का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था और लेकिन निश्चित तौर पर मुंबई तो, वाले क्या लाए थे मुंबई वालों का शो यूथ के ऊपर ही था वो भी प्ले लिखा हुए थी ओरिजिनल ही लेके जाना होता था बात ओरिजिनल की और वो नहीं है बात तो हमने भी लिखा ही खुद था उसका हाँ। इंस्पायर जरूर उससे प्रेरणा ली थी कि हाँ। लेकिन उसमें भी युवा का करंदन था आरक्षण को लेकर लिखा था लेकिन उसमें यूथ एजुकेशन और यूथ को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता उस पर उनकी चर्चा थी जिस मुझे याद है अभी तक एन की बात है तो मैं उनसे पूछा कि आप लोग इतना तकनीकी और इतने शानदार एक्टिंग कैसे कर लेते हैं तब मुझे पता लगा कि इनका प्ले किसी एन ग्रेजुएट ने डायरेक्ट किया हुआ है तब मुझे पहली बार एन के बारे में पता लगा और तब मेरे दिमाग में कौन सागर में कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई पहले सागर में किसी को पता भी नहीं था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कोई संस्था है क्योंकि तब तो बिल्कुल ही एक ही बस उसका एड आता था साल में एक बार अखबार में आग कहीं आग बार कोने में कोने में, वो भी दैनिक भास्कर में नहीं आता था, वो भी इंडिया में आता था। हाँ। और हम लोग थे उसमें आशुतोष उसमें था श्रीवर्धन त्रिवेदी था और एक बहुत महत्वपूर्ण अभिनेता जो दिल्ली थिएटर के एक बहुत ही निष्णांत और बड़ा चेहरा था जो दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं है महेंद्र मेवाती महेंद्र मेवाती बहुत ही बड़ा नाम है दिल्ली रंगमंच का और था मतलब अब तो चले गए उनको मैं ही लेके आया था वो भी सागर सुद्दा ले गए थे और तो वो भी थे उसमें और डायरेक्ट मैंने किया था इतनी समझती एक लाइन में खड़े करके क्योंकि उस समय उतना नहीं पता था कि उतना एस्थेटिक सेंस डेवलप आप आशुतोष राणा के शुरुआती दौर के डायरेक्टर भी हैं बिल्कुल 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 वो प्ले में हम तीनों लोग थे चारों लोग और मैं बाकायदा मैंने डायरेक्ट किया था और हाँ लेकिन मैंने मेन रोल नहीं लिया था क्योंकि तो मतलब डायरेक्टर का हक हाँ करके मेन रोल भी मैं ही डायरेक्ट भी मेरा है ओपन में ओपन में में <laughs> तो वो तो बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा और निश्चित तौर पर यूथ फेस्टिवल्स का यही एक फायदा होता होगा शायद कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो जान पाते हैं कुछ किताबों के बारे में कुछ साहित्य के बारे में कुछ जिंदगी के बारे में कुछ जो भविष्य में हम करना चाहते हैं उसके बारे में इंटरेस्टिंग तो कैसा रहा क्योंकि जब आपने प्रसन्ना का जिक्र किया तो मेरे मन में जो मूल उत्सुकता थी वो ये थी ये जो अलग अलग गुरु आपको मिले राम गोपाल बजाज की अलग शैली पर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं बत, मतलब मैं मत, मैं अगर ये पूछूं और उसको मैं, कि मुकेश तिवारी ने अलग अलग गुरुओं से अभिनय के बारे में या कला के बारे में क्या सीखा है सबका एक सिग्नेचर अलग है बिल्कुल है बाबा कारन सर भी थे बाबा कारन साहब थे बी एम शाह थे रोविंद और बंसी कौल बंसी कौल जी मतलब एक लंबी फेहरिस्त थे उसमें कीर्ति जैन जी अनुराधा कपूर, कपूर जी अंकुर जी देवेंद्र मोहन देवेंद्र राज अंकुर जी मोहन मोहन महर्षि मोहन उप्रेती जी और भानु भारती जी तो मतलब लगभग जो टॉप के टीचर्स थे वे सारे हमें मिले पंडित सत्यदेव दुबे जी जिनको हम लोग जिद पे लेके आए थे कि नहीं उनको प्लीज बुलाइए उनकी क्लासेस लेना है उनके साथ नाटक करना है जे एन कौशल जी रीटा गांगुली जी निभा जोशी जी Hmm. जो एस्टेटेक हमको पढ़ाती थी तो एक लंबा मतलब फहरिस्त फे, नहीं कह सकते ये मठाधीश हैं अपने अपने ah. इनको फहरिस्त में नहीं लाया जा सकता है और मजर की बात ये रही उस कोर्स में hmm. जब ये क्लासेस लेते थे जब बीवी कारण जी क्लासेस लेते तो उन्होंने हमें कभी किताब पढ़ा ही नहीं hmm. बोलते थे लाइब्रेरी का टाइम अलग है आप खुद अलग से जाके पढ़िए यहाँ हम प्रैक्टिकलिटी की बातें करेंगे धीरे धीरे ज़िंदगी कैसे सिखाई जा सकती है रंगकर्म का बीच कैसे रोपा जा सकता है वो रोपा जाता था नसीर सर की क्लासेस करीब अठारह घंटे की क्लास वो लेते थे नसीरुद्दीन शाह सर अठारह घंटे की, की और वो लगातार लगातार वो भी स्कूल में नहीं लेते थे क्लास वो हॉस्टल में क्लास लेते थे और उसमें बड़ी अच्छी चीज थी कि बिडी सिगरेट पीना लोगों को अलाउ था क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते बस लंच एक ब्रेक होगा चाय वाय मंगा के पी सकते हो हम हम ब्रेक ले लेंगे आप हमें जरा ये अठारह घंटे की क्लास है, आप ऊपर पाओ करके बैठ सकते हैं बिल्कुल कम्फर्टेबल रही है। नहीं नहीं हाँ मुझे हा, थोड़ा वैसा लगा कि एक रिलेक्टेंट तो नहीं लगेगा वैसे बैठ के पैर से क्योंकि बुनीलखंड में थोड़ी परंपराओं का ध्यान रखा जाता है <laughs> तो अठारह घंटे की क्लास हाँ सर नौ बजे आ जाते थे और रात की बारह बजे तक क्लास चलती थी कभी कभी क्या होता था अठारह घंटे उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वॉन्ट 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 मेरी कोई एक वॉन्ट है आपको नहीं पता चलना चाहिए मेरी क्या वांट है लेकिन मैं अपनी वांट आपसे पूरी करा के निकल जाऊंगा ओके okay. बस उसमें ये है कि चाबी अभी नहीं ढूंढना कि आपकी कार की चाबी चाहिए कुछ और चाबी चाहिए इट्स वांट कि मैं आपको साइकोलॉजिकल कैसे ट्रैक में लाता हूँ कैसे आपसे इंट्रैक्ट करता हूँ विदाउट एनेक्टमेंट बिल्कुल कोई चरित्र नहीं है मेरा कोई एक्टिंग की नहीं कर रहा हूँ बस मेरी वॉन्ट है जैसे जैसे मैंने आपसे दस साल पहले बदतमीज़ी करी थी उसके लिए मुझे आपको रियलाइज़ कराना है कि वो मेरी गलती नहीं थी ओके okay. और वो घटनाक्रम के तहत वो ऐसी चीज़ होगी हाँ जैसे मैंने एक एक्सरसाइज एक करी थी बहुत तो मतलब ज़्यादा उसको ना समझा जाए एक्सरसाइज के परिप्रेक्ष्य में हाँ. समझा जाए कि मैं मैंने एक अपनी आ, मेरी बैचमेट थी तो उससे मेरे से मैंने कोई बदतमीजी की है और उसके लिए मुझे उससे सॉरी मारना है लेकिन उसको क्या बदतमीजी की है वो मुझे ही पता था और वो अनजाने में हुई है और वो मुझे कचोट रही है वो चीज़ उसके लिए मुझे सॉरी बोलना बट उसको पता नहीं है तो उसको कम से कम कन्विंस करके मुझे निकलना है मेरी वांट है कि आई हैव डन दैट बट आई एम रियली सॉरी और मुझे इसके लिए एप्लॉज माफ़ी चाहता हूँ लेकिन उसको वो सिचुएसन पता नहीं है अब वो एक्सरसाइज में से सर क्या करते थे मान लो सर मैं आपके पास कुछ बॉन्ड लेके आया हूँ वो तीसरा ही किरदार वहाँ पे एक बैठा हुआ है वो सपोज टू उसका भाई है और वो बोल रहा आप यहाँ से निकल जाइए लेकिन मुझे बॉन्ड पूरी करके जाना है वो एक्सरसाइज स्ट्रेच होते होते कई बार तीन घंटे की भी एक्सरसाइज हो जाती थी तो उसमें वो शुरू में ही सबको एक एक टास्क दे देते और शाम तक उसको कंप्लीट करना क्या रहता था चलती रहती थी फिर आपने एक एक्सरसाइज करने आ गए जैसे नसीर सर की बहुत बड़ी अमेजिंग एक्सरसाइज है एक खाली गिलास है खाली गिलास में से आपको इमेजिन करके पीना है बाकी लोग बताएंगे आपने क्या पिया है तो और उसमें आप इनेक्टमेंट मत करिएगा कि खट्टे की भी एक्टिंग कर दी या कड़वे की कर दी, इज एक्सलमेटरी एक्टिंग नहीं चलेगी आप जस्ट पीजिए महसूस कीजिए आई विल टेल यू नसीब सर एग्जेक्टली बता देते थे किसने रसम पिया है किसने काढ़ा पिया है किसने पेप्सी पी है तो किसने मदिरा पान किया है और so cool. आपका आपका कन्विक्शन होना चाहिए वो अद्भुत एक्सरसाइज है so, ऐसी एक्सरसाइज मतलब वो उसमें एक्टिंग भर बनाती आप एक्टिंग नहीं करोगे वो आप नाटक वाटक में कर लेकिन दिस इज द एक्सरसाइज यहाँ आपका कन्विक्शन आपका ट्रुथ आपका अपना विश्वास और वो अंदर रख के करिए ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा सो so, इस तरीके की वॉन्ट तो उनके लिए उससे बड़ा फ़ायदा हुआ उनकी अभिनय शैली में और वो बहुत उस एक्सरसाइज़ को अभी भी करते रहते हैं वो अच्छा या, या नसीर सर ट्वेंटी फोर आवर्स इंटू द सेम जोन वो जोन से बाहर नहीं आते और शॉर्ट भी खत्म होगा तो किताब पढ़ रहे होंगे वो किताब भी नहीं पढ़ रहे होंगे तो कोई इंटरनेशनल फिल्म का वो चल रहा होगा वो उस जोन से कभी बाहर आते मैंने नहीं देखा उनकी बातचीत भी आसपास थिएटर की ही होती है एक्टिंग को होती है एक्टर को लेके होती है फिल्म्स को लेके होती है तो वो उनका बिल्कुल उसको ब्रेक ही नहीं करते चारों दीवारों से घिरे हुए हैं उसको उन को मैंने इंटरव्यू भी देखा आपने लिया था हाँ आई वॉज सो नर्वस मतलब हम लोगों को दद्दा ये सिखाया जाता है कि बड़े से बड़ी ताकतवर हस्ती बैठी हो एकदम चगड़ बन के रहना है ना पर इतना सुन रखा था नसीर साहब के बारे में कि ये एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन है मुझे लगा मैं पहली बार इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ और वो भी एक जो सीरीज आई थी उसके इर्द गिर्द था और उनके इतने इंटरव्यू हो चुके हैं उनकी हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ चुके हैं तो क्या पूछेंगे थैंकफुली वो हो गया ठीक ठाक और उन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया थैंक यू कि वो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आएंगे ललन टॉप में आएंगे तो फिर उसके बाद मुझे उनको एक्ट करते हुए देखने का मौका मिला एक बहुत शानदार सीरीज बन रही है जिसमें नसीर साहब हैं, और भी कई बड़े दिग्गज हैं उसमें, उनके समकालीन दिग्गज हैं, तो एक दो शॉर्ट शूट हो रहे थे, इतने, इतने कि वो बात वो कभी मिले वो प्ले करते हैं उनका एक प्ले है, आया। okay. जो की है। और उसको डायरेक्ट किया था पंडित सत्यदेव दुबे ने अच्छा और मुझे सौभाग्य मिला था दिल्ली में आए थे वो रत्ना जी उन्होंने हम लोगों के लिए एक शो कर दिया वहीं पर वाह। ड्रेस व्रेस उठाई वो किया और मैंने उनको एक सेकेंड में एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति होते देखा है जो ट्रांसफॉर्मेशन कि सडनली व्यक्ति चेंज हो गया पूरा जैसे 20 साल बीत गए हूँ एक पल में वो निरंतर यहाँ से यहाँ से पूरे एक संवेद में बिल्कुल जुड़े हुए हैं तो मैं बोला हूँ उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है वो सी में है वो चार दीवारी से घिरे हुए और मतलब इसलिए हम लोगों को बहुत सीखने भी मिला और चाइना गेट में मुझे बहुत हेल्प मिली आ, कि मेरे टीचर मेरा गुरु मेरे सामने है जिसने मुझे पढ़ाया है तो मैं उनसे प्रश्न भी पूछ सकता हूँ बता भी सकता हूँ तो पहली बार तो ओम सर और नसीर सर थे मुझे देख के बोले और इसका क्या होगा बोले कुछ नहीं एक शॉर्ट के बाद फैल जाएगा सो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वो लोग कुछ लो नहीं अभी इसका एक शॉर्ट होना तो फैल जाएगा फिर ये अभी डरा डरा घूम रहा है तो उस तरीके से घबराए हुए तो होंगे आप निश्चित तौर पर नसीर सर ने वो पढ़ लिया था क्योंकि मेरे साथ एक बड़ी दुविधा थी कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके की कमर्शियल सिनेमा से वाकफा नहीं रखा था क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म है एन एस में जा रहे हैं तो फेल आए, है वो वाला डीसी काम लगे हुए और उसमें पूरा वो था उसमें खोजते थे ये अटेंड आप देख लिया तो अब इस पर डिस्कशन होगा आठ दस घंटे बैठ के भले समझ में नहीं आ रही वो फिल्म लेकिन क्यों नहीं आ रही उस पर डिस्कशन होगा तो उस तरीके की स्कूलिंग थी तो नसीर सर हेल्प्स मी लॉट बिकॉज सिनेमा से उतना प्रभाव नहीं था तो राजी ने मुझे बोल दिया था तुम तो बिंदास बिंदास घूमना किसी को तो हलवाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई वॉन्ट दैट कैरेक्टर तो हमारे लिए तो बहुत ही आसान था बुदेलखंड के हलो न बोले भैया थास था <laughs> तो उस तरीके से नसीर सर ने फर्स्ट शॉट मेरा राज जी ने शूट किया था जहाँ नसीर सर के कैरेक्टर को मैं किल कर रहा हूँ गोली hmm. मारता हूँ फर्स्ट सारे लोग डेढ़ हजार लोग बैठा देख रहा है कि भाई ये लड़का करेगा क्या तो एक अभिनेता ने वरिष्ठ अभिनेता थे नसीर सर से पूछे कर पाएगा क्या तो नसीर सर पलटे और बोले आप भी तो कर ही रहो इस तरीके से मनोबल वो बढ़ाते थे आपने ऐसे बोला मुझे वो अंजन श्रीवास्तव की आवाज सुनाई दी अब <laughs> वो जो आप पूछ रहे थे कि नसीर सर था तो नसीर सर ने जब घोड़े पे बैठ के आया तो नसीर मैंने आंखों में देख लिया और दो बजे दोपहर में शूट हो रहा था वो फोर्टी एट डिग्री सेंटीग्रेड में नर्वस होगा पर आँख का फियर निकालो कैसे भी करो फियर निकालो हाँ क्योंकि वो जहीरा का डोमिनेटिंग किरदार है हजार आदमियों की तरफ देखूं फिर नसीर सर की तरफ देखूं कभी घोड़े की तरफ देखू अंदर से बिल्कुल प्रिपेयर था मैं लेकिन वो आंखों का भय जो है वो कैमरा सबसे पहले पकड़ता है और नसीर सर ने पकड़ लिया वो बोले वो निकालो फिर मुझे किनारे पे ले गए मेरे बोले हाँ मेरी आंख में देख गाली देना गाली दे डाल बोलना डालक दे बोल और मुझे तीन चार बार चिल्लाए मेरे अंदर ऑटोमेटिकली हुआ मैं गुरु अब तो हम बोलेंगे ऑटोमेटिकली वो चेंज आया सागर जा गया सागर बुदेलखंड जा गया और वो यही एक टीचर सिखा सकता है कि आपको बिना तोड़े आपका मर्म को समझे हुए

और अभिनेता के पास सबसे बड़ी पूंजी उसकी क्या है आंखें पूरी कथा तो आंखें ही कहेंगी ना घुड़सवारी <laughs> वगैरह आती थी आपको नहीं मैंने सीखी मुझे डैनी सर ने सिखाई और मैं मतलब बड़ा लाड़वा बच्चा बन के रहा हूँ वहाँ पे सारे सीनियर्स के साथ इतना कुछ सीखने मिला जितना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो मैंने स्तंभ शिक्षक बताए वे बारह स्तंभ वहाँ भी मुझे मिले तो माँ बाप का आशीर्वाद है आप लोगों की दुआएं जैसा भी या पिछले कर्म जन्म के पुण्य कर्म जो भी रहे हों शुरुआत में बड़ी अच्छी होती थी सीखने बहुत मिलता रहा स्टाल वार्ड से भी ये भी अमरीश जी से मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया है क्या पूछा मैं उत्सुकता में रहता था भाई पहली फिल्म है ये वो कैसे करूँगा क्या है और राष्ट्र आप जब थिएटर की परंपरा से आते हो रंगमंच की परंपरा से आते हो तो प्रश्न पूछने की बड़ी आदत होती है हाँ ये प्रश्न तो पूछा जाएगा तो अमरीश सर से हमने पूछा कि सर आप कैरेक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं सर तो ऐसे देखे मेरी तरफ़ डायरेक्टर की सुनो बस चले गए मैंने यार धक्के मैंने कहा क्या बेवकूफ़ी का क्वेश्चन पूछा यार मुझे लगा कि ये आप, उन्हें वाकई बेवकूफ़ी का क्वेश्चन लगा होगा जबकि मैं शिक्षा दीक्षा करके आया हूँ कि मुझे भी तो पता है मैथड एक्टिंग की क्या करना चाहिए लेकिन मैं ज़बरदस्ती वो मैं बोल रहा था कि कक्षा में मैं भी हूँ ना <laughs> तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का शौक है उसके बाद मैं कभी नहीं और फिर मुझे अमरीश जी डिनाइनर पर बुला लेते थे ये कर लिया करो थोड़ा ये किया करो सुबह उठ के भी एक कर लिया करो घोड़े को थोड़े बिस्किट विस्किट खिलाया करो डायलॉग घोड़े को बिस्किट खिलाया करो अब वो घोड़े को दोस्त बनाना था क्योंकि दो साल तक मेरी उसी के साथ कुंडली लिखी हुई थी ना हाँ तो अब दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी था तो हालांकि वो बहुत ही प्यारा दोस्त हो गया था मेरा उस घोड़े का नाम था रॉकी अभी नहीं है वो तो बाकी मैं आवाज़ से चलता था फिर अच्छा गैलाप तो गैलाप खड़ा हो जा खड़ा हो जाता था तो वो एक रिश्ता बना कमाल की बिल्कुल हाँ, 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 तो उस... पार्दे जी किसको पसंद नहीं <laughs> 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 नसीर भाई थे वहां पे नसीर भाई तो मैं ऐसे बोलता हूँ इतने बड़े हैं आप लोग आप लोग नसीर भाई बोलते थे नहीं सर बोलते मैंने थिएटर वालों से ही सुना है नसीर भाई हम लोग वैसे जब उनके विषय में बात कर रहे हो तो नसीर भाई बोलते हैं जब उनके संदर्भ में बात चल रही होती है लेकिन जब रूबरू होते हैं तो सर ही बोलते हैं क्योंकि वो एक हक सा लगता है नसीब भाई बोलने में एकदम जुड़ाव सा रहता है जुड़ाव है ही और तो वो भाई बोल के एक जैसे इरफान अकेला शब्द नहीं बोल सकता मैं जीवन में कभी इरफान भाई ही बोलूँगा पीयूष मिश्रा कभी नहीं बोल सकता पीयूष भाई पीयूष भाई।, भाई ही बोलूंगा भले हम सालों साल ना मिले कभी ना मिले तो वो जुड़ाव वो है वो सम्मान बना बनाने किया इरफान भाई साहब काम संडे में किया था संडे में किया था और एक बहुत ही घटिया पिक्चर थी उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा और वो की थी और तब इरफान कौन सी हो सकती है बहुत घटिया फिल्म जो मुकेश दादा ने और इरफान भाई ने साथ में किया है नहीं 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 थैंक यू तो अनिश भाई की थी तो इतनी घटिया नहीं थी <laughs> इतनी घटिया नहीं थी कुछ <laughs> एडिट नहीं होता है हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि उस पिक्चर का नाम क्यों लिया जाए तब मेरी और इरफान भाई की फाइट थी और इरफान भाई बहुत छुड़े हुए थे अब उनके हाथ में वो एक था वो जमीन खोदने का एक वो मैंने तो मुझे ना चढ़ फ्रस्ट्रेशन में कितने बहुत सीनियर रहे हैं इरफान भाई बैच पचास बैची तो, 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 तो पीयूष भाई का बैच है उससे भी पहले पहले उसके रहे होंगे तो करीब नौ दस साल का वक्त है इट्स नॉट अबाउट सीनियर हम लोग रहे तो मैत्री भाव से है राष्ट्रीय तो नाट्य विद्यालय में पहले अभी तो पता नहीं क्या है सात दिन तक ही जूनियर सीनियर चलता था अच्छा। जब रूबरू हो रहे होते थे तथाकथित रैगिंग उसको कहा जाता तो है इंट्रोडक्शन सेशन वी गिव सम जो नए लोग आते थे, थे, थे यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे आप डाइव लगाइए ये समंदर है इसके अंदर आप चले गए हैं और अंदर अब आप स्विमिंग कर रहे हैं और हमें दिखना चाहिए कि सांस अब रुंद रही है आपकी और आप आगे आपको बढ़ना है एक्सरसाइज और आपको क्या दी गई थी रैकिंग में एक्सरसाइज मुझे तो मेरा देख के ही चेहरा मेरा सब दोस्त बना लेते थे पता नहीं क्या था तब और ज़्यादा कुछ आंखें वैसी थी खतरनाक सी थी और आई रिएक्ट वेरी लेस तो मैं सिर्फ इतना ही देखता था ऐसे करके ना तो लोग नहीं तुम बैठो हाँ तुम बैठो <laughs> <laughs> लेकिन वो आपके सीनियर में कौन थे अनूप सोनी रहे होंगे अपना नेवल, आदिल भाई ये सब लोग थे राजेश तेलंग हैं राजेश आदिल आदिल दादा भी थे भाई भी थे और तो पूरा लेकिन वो सात दिन तक ही रहता था सात दिन फिर वो बैच हम लोगों के सामने आके बैठता था फिर हमें उनकी रैगिंग लेनी या इंट्रोडक्शन लेना फिर हम उनको एक्साइजेस देते थे वाह और उस दिन फिर हम लोग गाना गाते थे सभी मित्र होते थे फिर पराठे खाने अपने आईटीओ आ जाते थे दिल्ली आई टी ओ पे पराठे पे खत्म हो जाती थी पराठे पे मतलब फिर लेकिन मतलब दे मतलब जूनियर सीनियर खत्म हो जाता था अब एक मैत्री के स्तर पे हैं अब आप अपन वैसे चलेंगे और वो एक अच्छी परंपरा भी है वो क्योंकि वो जूनियर सीनियर के दबाव में आप फिर चीजें व्यक्त नहीं हो पाती जैसे हम लोग बात कर रहे थे चाइना गेट की ओमपुरी साहब भी थे उसमें जी उनके साथ कैसा तजुर्बा रहा बहुत अच्छा अद्भुत मैंने मतलब ओम सर की मैंने बहुत सारी क्योंकि ओम सर ने उतनी उतना थिएटर नहीं किया बात की कि जैसे नसीब भाई तो अभी भी बहुत एक्टिवली कर रहे, कर रहे हैं निरंतर कर रहे हैं ओम जी ने नहीं किया लेकिन ओम जी से मैंने जो जो की बात भी वर्षों में जो काम आया सहजता मैंने बहुत सीखी कि जो उनका सहज तरीके से काम करने का है ना जैसे अब कई बार मैं भी बड़ा लोड लेता हूँ किसी में एकदम ही घुस जाएंगे दे अंडरस्टैंड द क्राफ्ट को समझते हुए उनके पास बहुत ही गजब का क्राफ्ट था कि बिना व्यक्त किए हुए अभिव्यक्त कर देना बिना बलात् प्रयास किए हुए अभिव्यक्त कर देना वो ओम सर से ज़्यादा नहीं हो सकता मुझे बार बार अर्ध सत्य याद आती है अर्ध सत्य हाँ। अर्धसत्य अर्ध सत्य मतलब उनका जो लाफा मारने का तरीका था वैसा लाफा किसी ने मार ही नहीं हुआ क्योंकि हम बहुत ही बनावटी तरीके से और बड़ा कंपोज लाफा मारते हैं लेकिन सदा से वो अमरापुरकर जी को जब ओम सर लाफा मारते थे वो झंझानाट पैदा कर देता था तो वो उनकी मौलिकता है सो so, उनको मैं बहुत ही बलराज साइनी जी के बाद में ओम सर को बहुत रियलिस्टिक एक्टर मानता हूँ बात है क्योंकि जो रियलिज्म की बात है यथार्थवाद की बात और परफॉर्मेंस की बात होती थी तो बलराज साइनी जी और मोतीलाल जी से कोई बड़ा मुझे नहीं लगा हिंदुस्तानी सिनेमा में एक फिल्म डायरेक्टर से मैं बात कर रहा था और वो एन एस डी लॉड को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनका कहना था जानते हैं समस्या क्या है कि दे आर वंडरफुल एक्टर्स एवरीथिंग पर वो इतना लर्न करके आते हैं ना थिएटर और वर्ल्ड सिनेमा एफ के लिए भी उन्होंने बात की एन और एफ वाले कि उनको लगता है कि हम लोग क्या ही कर रहे हैं मुंबई में तो बोले उनका वो अनलर्निंग का प्रोसेस नहीं हो पाता ज्यादातर का इसलिए बहुत सारे लोग जो बहुत सीखे हुए हैं वो यहाँ उतना थ्राइव नहीं करते हैं इमिडिएटली थिंक दिस इज राइट करेक्ट ज्यादा था ये कि जब बड़ा रोल मिलेगा तभी करूँगा ये मुझे क्या सिखाएंगे एक्टिंग हाँ ये जो एक और मुझे लगता है कि एन एजी से निकलते ही आपको वो सब भूल जाना चाहिए वो स्टेंसल आपके लिए था आपकी अपनी पद्धति के लिए मेरी मेरी यदि पद्धति है तो मैं वो सौरभ जी पे नहीं थोप सकता वो पद्धति कि आपको मेरी पद्धति के हिसाब से करना पड़ेगा वाह तो वो एक सामंजस्य है, बहुत आप इधर आ जाओ ये फीकी है ये तुम पूरे रास्ते यही याद करके आयो क्या ये फीकी है ये मीठी तुम ऐसे ऐसे करते हुए आ रहे थे आप इधर आ जाइए करम जी

तो मेरी आदत है कि मैं पूरे डायलॉग वॉलग याद करके पूरा अपने मेरा उसमें दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज चलता है मैं घर पे जब सीन पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है मैं सोफा सेट पे बैठ के बोल रहा हूँ वहाँ जाता हूँ तो वो मुड़ा मिलता है तो, तो वो एक है वो सभी एक्टर अपने हिसाब से सीन सोच लेते हैं कि मैं इसको बुलेट पर कर रहा हूँ वहाँ जाके आपको हो सकता साइकिल मिल जाए साइकिल पर कर रहे हो आप तो वो ठीक है वो इमेजिनेशन चलता रहना चाहिए विक्रांत पवार जी ने मुझे तोड़ा और मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि काम करते करते 25 साल जब के बीत जाते हैं तो अनजाने में एक सबकॉन्सियस में एक आ जाता है कि मैं मुकेश तिवारी हूं और तो उसने बोला कि नहीं सर आप तैयारी करके मत आया करो तो मुझे एकदम से ऐसा कुछ जगह झंकृत हुआ मेरा तो मैं ओके नहीं आऊंगा मैंने उसको माना नहीं और उस रात मैंने रियलाइज किया कि मैं भी वैसे ही हो गया जिस बात को मैं विरोध करता था कि पहले से लॉक करके सब चीजें चीज़ लॉक करके कर रहे हो सामने वाले को मान नहीं रहा हूँ तू कल कल मुझे सिखाएगा मेरे को तीस साल हो गया टिकट हाँ उस दिन मैं रूम पे जाके रोया होटल में राजस्थान में जयपुर में और थैंक गॉड उन्होंने ये मुझे चुनौती दी क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम कितने जड़वत होते जा रहे हैं अंदर से कितने क्लस्ट ऑफ होते जा रहे हैं हम अपने आप को जैसा देखना चाहते हैं हम सब लोग वैसे ही देखें ये संभव नहीं हो पाता होना भी नहीं चाहिए तो एज एन एक्टर जो आपके प्रश्न था ना कि हमें अपने आप को बिल्कुल तोड़ के रखना चाहिए जो आपने एक काम किया उसको आप भूल जाओ नहीं तो दूसरे काम में वही काम रिफ्लेक्ट होगा आ, चाक तो पुरानी मिट्टी है तो नया बर्तन कैसे नहीं, 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 नहीं निकलेगा तो वो एक मुश्किल रहती है और ये हमें सीखना चाहिए हालांकि आजकल तो बिल्कुल ही करेक्ट लोग निकल रहे थोड़ा विस्तार से बताइए इस चीज़ को मतलब कि ये है कि अब उनके पास वो चुनौती नहीं है जो नसीर सर या ओम सर के सामने रही हो कि हर तीन महीने में एक घर बदलना पड़ता होगा जहाँ सिर्फ एक डी वन है जहाँ सिनेमा में उनको सिर्फ चौकीदार का रोल ऑफर किया जाता होगा कि आप दिखते ऐसे हैं अभी चेंज हो गया ना एक परसेप्शन अब आपके आप पास है, है, है बहुत सारा हार्टलैंड सिनेमा बन रहा है ओ टी टी बन रहा है कि बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश या हिंदी बेल्ट के चरित्रों को लेकर चीजें रची जा रही है हरियाणा के चरित्रों को लेकर रची जा रही है सो अब फेस अलग अलग और उतना संघर्ष नहीं है मैं बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि नई पीढ़ी संघर्ष करे लेकिन जब तक आप उस चीज़ों से गुजरोगे नहीं तब तक आप पकोगे नहीं उसकी आपको वैल्यू नहीं पता चलेगी जैसे मैं डिजिटल का बिल्कुल विरोध नहीं करता लेकिन जब हम स्टॉक पे शूट करते थे 400 फीट 12000 हजार का आता था जब वो क्र करके बोलता था तो एक किलोमीटर दूर पे स्पॉट बॉय भी चुप हो जाता था डिजिटल ने डिसिप्लिन ऑफ सिनेमा ख़त्म कर दिया

इट्स अबाउट कि भाई तब वैल्यू होती थी कि वन टेक एक्टर है ये क्योंकि ये स्टॉक बचाता है मुंबई आप गए आपको ये पहला ब्रेक मिला तभी आप मुंबई गए हैं ना चाइना गेट के लिए सेलेक्ट हुए हैं गिरीश कर्नाट साहब के नाटक के बाद फिर चाइना गेट के बाद दुनिया कितनी बदली मतलब एक ड्रीम डेब्यू जैसा था ये बिल्कुल था फिर पहली फिल्म एनएसडी का पास आउट कुछ साल रिपेट्री करके आया और इतनी बड़ी स्टार कास्ट की राजकुमार संतोषी की फिल्म जो घातक घायल ये सब बना चुके हैं और उसका मेन विलेन और फिल्म उतनी नहीं चली पर उसका छम्मा छम्मा गाना और ये जो विलेन था जगीरा ये दो तो खूब चले और तीसरी वो कंट्रोवर्सी चली जो ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी की हुई थी जी मतलब मुझे तीन ही चीज़ें याद हैं सभी को लगभग वही याद है तो मुझे नसीर सर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना झमाझम जम भी हो सकती है और कटाकट भी हो सकती है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है so, मैं बिल्कुल मेंटली था ईश्वर से प्रार्थना जरूर करता था कि पिक्चर अच्छी हिट हो जाए पिक्चर हिट हो जाए क्योंकि तब, तब वो दौर था जब पिक्चर हिट होती थी तो आपको दस पिक्चरें मिल जाती थी आज हिट भी हो जाती तो अब कोई नहीं पूछता आपको नहीं। पहले फिल्म का हिट होना ही आपका भविष्य तय करता था तो चाइना गेट नहीं चली लेकिन बहुत लोगों की तारीफ मिली अवार्ड में नॉमिनेट हुआ कुछ अवार्ड्स भी मिले आ, लेकिन मैं उस तरीके का था नहीं कि मैं बहने वाला नहीं था मैं क्योंकि थिएटर ने मुझे परिपक्वता दी कि धैर्य 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 अभी सिर्फ शुरुआत है शादी हो चुकी थी आपकी तब तक तब शादी हो गई थी मेरी और आपकी पत्नी भी एन एस डी से हाँ मेरी बैचमेट है और वो आसाम से हैं और तो मैं प्रिपेयर था लेकिन तब मेरा बच्चा भी हो चुका था साक्षात का जब जन्म हुआ जून में और उसके दो महीने बाद मतलब मैं कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि चीज़ें घटित होती हैं कोई है, जैसे बोलते हैं ना अपने भाग्य ले कर आया होगा वो तो साक्षात का जन्म 19 जून को उन्नीस को हुआ और मुझे अगस्त उन्नीस में चाइना ग्रेट फिल्म मिली सो चीज़ें घटित होना शुरू होती हैं जीवन में कुछ पॉजिटिव होना लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कायल नहीं था कि मुझे फिल्म ही करना है लेकिन जब फिल्म मिली तो मुझे लगा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैंने अपने ब्लॉकेजेस भी तोड़े कि जो संगीन इतना गहन तरीके से काम करने की आदत है उसको कमर्शलाइज कैसे किया जाए ये अडॉप्ट करना पड़ेगा तो मेरे अंदर एक ठीक ठाक सी आदत रही है और जो मैं हमेशा मानता हूँ कि एक्टर में सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए उसको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए उसका फिफ्टी परसेंट काम ख़त्म हो जाता है क्योंकि हम सुनते नहीं हैं समस्या वहीं से शुरू होती है तो चाइना गेट का जैसे मैंने बताया कि मैं दोनों स्थितियों के लिए तैयार था और तारीफ़ बहुत हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पे जिस तरीके से उस समय वो 22 करोड़ की फिल्म थी उन्नीस में तो बहुत बड़ी फिल्म थी तो उस तरीके से कलेक्शंस नहीं हुए बाद में जैसे भी रहा हो और मैं बहुत डर भी गया था कि अब क्या होगा कैसे होगा क्योंकि लोगों ने सिर्फ मुझे गेटअप में देखा था मुकेश तिवारी कैसे दिखता कोई नहीं जानता था और हम हाँ, लोगों ने जब दैनिक जागरण में फ़ोटो देखी आपकी हाँ हम लोग जब दसवीं में पढ़ते थे तो एक वो जगीरा वाले गेटअप की फोटो थी और एक आप एकदम बिल्कुल फिर एक बार राजकुमार संतोषी के पास, पास गया क्योंकि मेरे पास छह हजार रुपए का तब मैंने वन बेडरूम हॉल किराए पे ले रखा था कितने पैसे मिले थे पहली फिल्म के लिए पहली पैसे के लिए राजकुमार संतोषी ने हमें दिया था सवा लाख रुपया ठीक ठाक रकम थी अंठानवे में की नौकरी साढ़े तीन हजार महीने की हो उसके लिए सवा लाख रुपया हो लेकिन हाँ सवा दो साल तक वक्फा मुझे निकालना था लेकिन पैसा मैटर था ही नहीं मुझे डेब्यू बड़ा डेब्यू बड़ा था अवसर बड़ा था और अपने आप को सिद्ध करना था तो मनी इज तो मुझे तब बहुत ज्यादा ऐसा अभी भी आकर्षित नहीं करता मुझे गुजारा हो जाए तब वो बहुत है मजा है संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण रखती है तो तब वो वैसा दिया था तो आप अभी थोड़ी देर पहले साक्षात का जिक्र कर रहे थे हमारी रिसर्च टीम ने जो हमको एक पुलिंदा दिया उसमें लिखा कि आ, मुकेश आ, अपनी फैमिली और अपनी निजता को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं कोई तो ज़्यादा फोटो पोस्ट नहीं करते हैं वॉलेट के साथ या अपने बेटे के साथ वेरी कॉन्शियस एफर्ट या वो लोग लो बहुत एक्टिव नहीं है हाउ डज जान जानबूझ के नहीं करता हूँ मैंने सिर्फ अभी तक सोशल मीडिया पर जब माँ का निधन हुआ तो सिर्फ माँ की ही फ़ोटो डाली थी और इसलिए कि सारे लोगों कुछ लोगों को पता चले मैं माँ से थोड़ी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ जो भी सोशल मीडिया की जो भी नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन सा कौन सा क्या क्या है इसमें परिवार की बोलिए बोलिए जो एक गोपनीयता नहीं कहना चाहिए परिवार के जो बने बनाए है नियम हैं और जो सम्मान है मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पत्नी के साथ फ़ोटो डालते हैं तो ऐसा लगता है उनके सम्मान का हम हनन कर रहे हैं और ये कोई बहुत कंपलसरी नहीं है कि आप डालें तो सोशल मीडिया भी एक्टिंग करती हैं पहले, पहले करती थी अभी भी उन्होंने एक दो फिल्में की हैं और अभी वो ज़्यादातर डबिंग का काम करती हैं शॉक किया और मैंने कभी रोका नहीं है लेकिन मेरा हमेशा रहा है कि जो भी सम्मानजनक अच्छे प्रोडक्शंस में काम मिले तो बिल्कुल करिएगा आपको मतलब जबरदस्ती टी वी सीरियल करने की कोई आवश्यकता हाँ नहीं है कोई बहुत अच्छा रोल मिलता है कोई बहुत चैलेंजिंग करता है तो आप करिए वो असम की रहने वाली बिल्कुल मैं दरअसल जो सवाल पूछना चाह रहा था वो ये है कि आ, उत्तर भारत में आ, लोगों के अंदर खासकर पुरुषों के अंदर एक किस्म की रिजिडिटी होती है है ना ये चीज़ें तो ऐसी ही होती हैं स्त्रियों को ऐसे होना चाहिए बेटे बेटियों को ऐसा होना चाहिए माता पिता ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें एक जेंडर का स्ट्रक्चर है एक कास्ट का स्ट्रक्चर रिलीजन का बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ऐसे में सागर बुंदेलखंड दिल्ली का एक्सपोजर और फिर यू आर इन लव एंड इन पार्टनरशिप विद अ गर्ल फ्रॉम असम उसने आपके अंदर क्या जोड़ा आपकी समझ को कैसे प्रभावित किया निश्चित तौर आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं खासतौर पर आपकी बैचमेट हो आपने साथ में पढ़ा हो तो जितना वजन मेरा है उतना वजन उनका भी रहना चाहिए हुँ. क्योंकि हम सहपाटी भी रहे हैं और अब है जीवन में एक साथ बल्कि उन्होंने ही मेरा ज़्यादा ख्याल रखा क्योंकि मैं काम में ही ज़्यादा लगा रहा दूसरा जो रेडिटी की बात आपने कही कि पुरुष को ऐसा ही होना चाहिए वैसा होना चाहिए तो मुझ में माँ के दिए संस्कार बहुत हैं मैं आपको एक जिक्र करता हूँ माँ को वैसे तो प्यार से अट्टो कहते थे अट्टो अटो ट्रिपिकल बुंदेली नाम है अट्टो ऐसा क्योंकि मोटी तो अट्टो साउंड से आप लोग अट्टो तो कोई कहता नहीं बोलते थे आप भाई बोलते मामा थे। मामा लोग यदि तो वो वैसे ही उनका अट्टो था तो मामा लोग जब आते थे तो, तो वो घर में सबसे छोटी थी तो उनको अट्टो नाम दिया हाँ। तो वो याद है लेकिन वो साइन करती थी कृष्णा 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 तो मेरी भाई चौथी तक ही पढ़ी थी अंगूठा भी लगाती थी और मुझे अच्छे से याद है जब मेरे सबसे बड़े भाई की शादी की तब मैं छोटा था तो उन्होंने भाभी जी को बुलाया सबसे बड़ी भाभी को कि देखो तुम्हें जो पहनने हो वो पहनी हो इतने घूंघट उगट चल है तुम सलवार कुर्ता पहनती तो इतने भी सलवार कुर्ता पहनी हो इस तरीके को रहा बड़ी प्रगतिशील बहुत प्रगतिशील पूरे न्यूज पढ़ती थी पूरी राजनीति उनकी उनकी समझ थी भाई वहीं रहती थी सागर सागर में उन्होंने कभी घर नहीं छोड़ा एक बार बड़ी गलती कर दी बॉम्बे ले आए तो बुद्धिखंड में एक शब्द है सिसरे आ जाना तो बाई सिसरे आ गई बिल्कुल हाँ। तो हमने नहीं यार और एक दिन बड़ा अजीब हुआ हम लोग भी घाम भी नहीं घर पे थे वॉलेट भी घर पे नहीं थी बाईक थोड़ी घर के बाहर निकली होंगी थोड़े टहल लें वो दरवाजा हवा से बंद हो गया ठक करके अरे बाप और उनके पास चा भी नहीं वो तो अच्छा हुआ पड़ोसी अच्छे थे उन्होंने बिठा लिया फिर हम दो तीन घंटे बाद आए तो बाइक का चेहरा देखा जो साम्राज्य को जो उन्होंने देखा हो जो छत्तीसगढ़ एकदम मेले में कोई बच्ची जैसी वैसी बिल्कुल जैसे रो देंगी अभी फवक पक के और मतलब उनकी आंख मुझसे करे दी कि यार छोड़ दे घरे हो गया हो गया इतना हमें गिल्ट हुई इतनी बोले फिर फिर हम तीन चार दिन बाद उनको बड़ा शौक था कि पहला घर लेना तो हम देखेंगे चल के कि मुन्ना ने घर लो कैसी बनाई बकरी हाँ कैसी बनाई बकरी तो हमने कहा चलो भाई दिखा दें तो वो उनका एक था, था मेरी माँ का उनका वॉयलेट का कैसा हमेशा रहा उन्होंने वॉलेट जब आई तो उन्होंने पहले बोला कि देखो मुन्ना को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है <laughs> <laughs> तो ऐसी कुड़कुड़ी भिंडी ऐसे बनाई जाते उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी एक दो महीने खाने बनाने की हाँ। जो कर लियो बाकी तो तुमने जो करने करो खाना आने ऐसे ही अच्छो खाइयो कोई प्रतिरोध आया परिवारों रिश्तेदारों के स्तर नहीं कभी नहीं बिल्कुल नहीं बस इतनी शॉर्टेड आउट थी वो महिला जो उनसे मिलता था वो उन, उनका हो जाता था वो नहीं नहीं मैं आपकी शादी के घंटे नहीं, नहीं, नहीं और स्थिति पैदा नहीं होने दी कि मेरी माँ ने बोला था कि देखो माँ बाप तो दी नहीं आ पा रहे हैं तो तुम यहाँ पे आंगन में शादी कर लो तुलसी के पास और मैं इसके खिलाफ था कि बहुत ज्यादा तामे झामे की शादी मुझे करना नहीं है पहले नहीं थे बाद में आए घर पे भी का चक्कर तो हमने अपना अस्तित्व और अपनी पहचान बना लिया है जबकि वो हमारा आचरण होना चाहिए धर्म क्या बात सुंदर बात है। तो थोड़ा सा प्रतिबद्ध हुआ तो हमने आंगन में शादी कर ली थी अच्छा हाँ और कोई सागर में सागर में भाई ने शादी करा दी हमने धोती पहना दी और ऊपर नंगी बॉडी वॉलेट को भाई ने अपनी वाली साड़ी पहना दी थी पंडित जी आए बस दो तीन बातें करी तो वो एक बार, बार जी माता जी तो रॉक स्टार थी भाई। हाँ उसके बाद इनका नाम बदल दो वॉलेट का, तो का नाम बदला जाएगा वो नजीर है, नजीर रहे रहेंगी। हाँ। नाम बदल के जबरदस्ती अपनी पहचान उस पर क्यों रहे हो भाई बिल्कुल सही बात है मतलब जबरदस्ती हमारे हमने बदल दिया उसका नाम क्यों बदल दोगे भाई माँ बाप का दिया वो बचपन का नाम है पहली बार में रिलेक्टेंट हुआ घर पर हाँ। तो इस तरीके से वो हुआ बाद में कोर्ट में की और भाई ने जब हम लोग निकले तो दो पेटी मुझे याद है अच्छे से वो पेटियाँ अभी भी रखी हैं मेरे पास बर्तन थे हमने बोले भाई दो लोग हैं बीस बड़ी वाली थाली से सागर से सागर दिल्ली, से आ दिल्ली बॉम्बे अच्छा तब तक यहाँ शादी हो गई थी दिल्ली में हाँ। दिल्ली में तो रखने ही का सामान नहीं था मदर के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे ना हम लोग हाँ। तो इतना बड़ा कमरा ही था कि सामान रख सके हाँ। जब मुंबई मुंबई की बात आई तो हम दादर मुंबई मुंबई दादर दादर मुंबई एक्सप्रेस चलती थी बहुत ही हर स्टॉप पर रुकती थी दो पेटी हमने जब खोल के देखी तो अस्सी कटोरी बीस थालियाँ एक सौ बीस चम्मचें चावल निकालने की अलग दाल निकालने की अलग उस तरीके से पूरा पूरी गृहस्थी पूरी गृहस्थी बांध दी इतना गहन उनका सोच रहता था तो उनके संस्कार हैं मुझ में और उन्होंने मुझे सिखाया है कि आप सामने वाले को सम्मान को मत तोड़िए कभी हाँ। उसकी सुनिए जरूर आप चाहे आप कुछ भी हो तो भाई ने देखी, थी गेट। भाई ने गेट देखी हम लेके आए थे हाँ। बुलाया और लास्ट में क्लाइमेक्स जैसे ओम जी ने हमारा हाथ काटा भाई ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हमने भाई हाथ जोड़ो हुआ वह पिक्चर आए भाई का हाथ सीधा यहाँ पर ठक करके कटा और भाई मुन्ना ऐसे ऐसे कर रही थी वो तो हमने कर रही यार अब बात बहुत साल थी हो कि नहीं हुई 2013 में जी ध्यान तो वाले की उन्हें भी मतलब था कि उनके बड़े मतलब हमारे बड़े भाई की भी डेथ हुई फिर मेरे एक बड़े भाई ने आत्महत्या कर लिया था तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूट गई थी तो अकेले पाला लग गया बिल्कुल है? याद है आपको पिता की कितने साल के थे आप? नहीं नहीं पिताजी तो मेरे जब पिताजी की डेथ हुई तब मैं राष्ट्रीय नाट विद्यालय में था अच्छा फाइनल ईयर में था अच्छा लेकिन बाबू को मैं देख नहीं पाया क्योंकि हम राजर प्ले कर रहे थे नामिका हक्सर जी के साथ तो थोड़ा विलम्ब हो रहा था और हमारी ट्रेन जो जाती थी वो दूसरे दिन पहुँचती थी उतने समय तक बाबू को रोक पाना मुश्किल था और फिर हमारे घर के लोगों ने वापस भी भेज दिया तीन दिन में बोला नहीं नहीं तुम्हारी फाइनल ईयर है नाटक का शो है जाओ बड़े भाई बोले तेरह हम लोग सब पहले काम करो तो इस तरीके से रहा है कितनी बीतती है हाँ वो असली में क्या होता है कि एक समय के बाद आपको सहेजने वाला चला जाता है ना ऐसा होता ना कि पहले और बिना किसी चेतावनी के कि आप पे वो ज़िम्मेदारी आती है कि आप सबको सही जो बिल्कुल ज़िम्मेदारी से डर नहीं लगता लेकिन अब वो खालीपन से डर लगता है मैं कितने समय तक घर ही नहीं गया सागर क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी घर में वो मुझे बाई का कमरे के आसपास में टहलता ही रहता था तो मुझे वो रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लग रहा था कि भाई अब नहीं है और शायद वो दो के बाद मैंने काम भी छोड़ दिया था कि मेरा सबसे बड़ा दर्शक चला गया है अब मुझे नहीं करना थोड़ा विषय बदलते हैं बिल्कुल भारी हो जाएगा मेहमान से बात करता हूँ तो आपको ईमानदारी से बताऊँ तो ये बड़ा अजीब सा द्वंद हो जाता है एक तरफ लगता है इंटरव्यू इंटरव्यूर के तौर पे एक सफलता जैसा या सार्थकता जैसा कि हम जिससे सवाल पूछ रहे हैं कि आप जैसे एक्टिंग के पेशे में आपके बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं तो हम वही वही चीज़ें रिपीट ना करें कि आप बिल्कुल बोर हो जाएँ ना और बात करते करते हम उस ज़मीन पर हैं जहाँ पर आप नए सिरे से बहुत सारी मेमरीज को रिलेशन को रिविज़िट कर रहे हों उस क्रम में कई वक्त आप भावुक भी हो जाते हैं तो वो सार्थक लगता है पर थोड़ा सा कचोटता भी है क्योंकि हमने तो सवाल पूछा और हम थोड़ी देर के लिए उस फेज में रहे पर जो जवाब दे रहा है वो वो ज़्यादा उसका गाढ़ा है वहाँ पर होना ना वो क्योंकि वो फिर अब वो रिलीव करेगा जब आप बता रहे थे कि जैसे कि मैं बाई के कमरे के बाहर टहलता रहता था तो वो कई सुनने वाले शायद वहाँ रुके लेकिन आपके लिए वो फिर से उस यंत्रणा से गुजरने जैसा है बिल्कुल तो इसलिए ठीक है ना वो अपना है और ये जो गहन अनुभूतियाँ होती हैं उससे भयाक्रांत नहीं होना चाहिए मुझे लगता है वो आपकी पूंजी भी है वो आप में साहस का संचार भी करती है वो क्योंकि आपका अपना है आपका भोगा हुआ यथार्थ है वो और आप बिल्कुल शिदत से उससे जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं कही ना कहीं ताकत भी देता है और वो जुड़ाव एक नई भूमि भी तैयार करता है वो सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है वो आज भी वही आज है। आज का ही हिस्सा है आज की बात कर रहे हैं दद्दा आप जब घुसे हमारी सहयोगी हैं मनीषा है ना न्यूज डेस्क पे उन्होंने जो बात कही और सब लोगों ने कि हम एटीज की पैदाइश हैं 90s में अपनी किशोरावस्था में थे अरली युवावस्था में थे जो हमारे बाद की पीढ़ियां हैं वो उनके लिए रेफरेंस पॉइंट है आपके कहेगा वसूली भाई तो मैंने तो डपट भी दिया एक दो मुझे कह रही वसूली भाई यार मैंने क्या यार इतना काम किया उन्होंने हैं बच्चा याद हो लेकिन अगर तुम्हें तो पॉपुलर रोल्स पर ही बात करनी क्या बोल अरे बोले आप नहीं समझोगे हमारी जनरेशन हमारी मीम ये सर तो जब ये रोल आपको ऑफर हुआ तब आपको कुछ जिच थी कॉमेडी या या थिएटर के दोनों में बहुत किया था कॉमेडी मैंने मोलियर के सटायर्स बहुत किए थे बी एम शाह जी ने डायरेक्ट किया था कंजूस हुँ. प्ले बहुत ही बहुत फेमस प्ले है मोलियर का तो कॉमेडी दिल आरते की क्लासेस और ये सब तो कॉमेडी करने में कोई परहेज नहीं था सटायर करने में तो नहीं था, था। और भीष्म सारणी जी का एक प्ले है मुआवजे और पटरी का बहुत हिट शो रहा है एम के रैना जी ने डायरेक्ट किया था वो और उनके बहुत कम थोड़े गंभीर जमीन से हटे हुए हाँ, ना नहीं नहीं तो, तो, तो क्षेत्र के आसपास अपहरण घटित हो तो उसकी एक थी। घटे चुकी थी। घटे चुका था तो एक तरीके से इमेज बदल रही थी यार चरत्रता भी है ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है वेराइटी है आपने देखिए मैं बीच में रोक रहा हूँ अपहरण का एक दृश्य है जिसमे नाना पाटेकर का किरदार तबरेज आलम आपने आईपीएस अफसर का रोल प्ले किया है आपको थप्पड़ मारता है आप वर्दी में होते हैं बिल्कुल और उसके बाद आप अपने घर के बगीचे पे बैठे हुए हैं एक बेंच पे यू आर क्राइंग एंड योर वाइफ कम्स एंड कंसोल्स वो बहुत ही क्योंकि तो अदरवाइज वो बहुत ही हाई मेलोड्रामा वाली फिल्म है है ना और उसमें नाना पाटेकर साहब का भी बहुत कमाल करेक्टर हैं बहुत ही वैसा रोल है कि इन योर फेस टाइप वो एक चीज़ वो बड़ा मतलब या तो वो मोहन आकाशीय के एक दो दृश्य थे हाँ जिसमें आपको लगा कि ये फिल्म से ज़्यादा कुछ है ज़्यादा कहीं टच का उस सीन के लिए मैं लिए जब भाई जी ने मुझे सुनाया था प्रकाश झा साहब ने तो मैं सुबह से सु से भाई से जी हाँ तो मैं सुबह से कमरे से ही नहीं निकला था मैंने भाई जी को बोला था कि प्लीज़ एक रिसेप्शन पर बोल देना सिर्फ आठ नौ बजे रात में आने वाला था और मैंने पानी वानी खाना वाना कुछ सब छोड़ दिया था मैंने उस मैं उसको बिल्कुल रियल करूँगा बिल्कुल मुझे अपना एक सुर मिलना चाहिए जिसमें इनेक्टमेंट मुझे करना ही नहीं और तो है और थोड़ा सा वो कम कि मुस्लिम कैरेक्टर है और नशा पत्ता और मदिरा वदेरा से दूर रहता है लेकिन उसमें मैंने एक वॉक डाली थी वो थोड़ी रजिस्टर कब हो पाई शायद क्योंकि मैं उसको बहुत ही सदे तरीके से करना था कि जीप से जब उतरता उत है ना तो बस इतना है उसका ही इज इन कि पहली बार उसने मतलब जो ब्रेकअप हुआ है तो शराब तो पी के आया है एक बस स्टेप ऐसे जाता है सो दैट अनदर थिंग हर चीज़ रजिस्टर भी नहीं होनी चाहिए बट इट हेल्प्स मी लॉट वो पूरा एक प्रोसेस था और वो सीन करने में मुझे बहुत मजा आया और वो लुक रियल में लुक आया था जो नाना सर थप्पड़ मारते हैं जहाँ पे कैप जाता है अवा खो के वो देखता है कि वो ये हुआ क्या हाँ मतलब वो वो ये हुआ क्या कि इतनी पढ़ाई इतनी लिखाई इतनी ट्रेनिंग ये सब कुछ खत्म और फिर एक लोग है पुलिस की तरफ महकमे का एक भी आदमी साथ में नहीं तो वो बड़ा द्वंद जो था वस्तुतः एक्टिंग में जब द्वंद आता है तब तो करने में बड़ा मजा आता है तो हाँ अपन जहाते वो बताऊँ तो रोहित जी ने बोला मैं तुमसे कॉमेडी कराऊंगा मैंने सर जमीन में आप अच्छा रोल दिया इसमें दिया तो बोला मैं तो करूँगा लेकिन मैं थोड़ा हिला तो थो था मैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं हर अभिनेता के साथ या हर व्यक्ति के साथ होता है कि वो अपने आप को ऐसे रखता है कि लोग मुझे ऐसे देखें तो और सिनेमा की कॉमेडी करना और थिएटर में कॉमेडी करना बहुत अंतर होता है लेकिन मैंने उसको के साथ किया और रोहित जी ने मुझे बड़े प्यार से वो वसूली भाई कराया और मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये तो उन्होंने कह दिया कि मैं कॉमेडी कराऊंगा आपने फिर ये रोल का रिसेप्शन इम्प्रोवाइजेशन वो सब वो होते चले क्योंकि आप होता क्या है कि कॉमेडी में वही नहीं होता जो लिखा है क्योंकि को एक्टर जो कुछ कर रहा है तो उसके जैसे अरशद ने इम्प्रोवाइज किया था कि वो वो बात करते 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 दौड़ लगा देता है तो एक बिल्कुल मुँह से निकला कि क्योंकि चलना सिखा रहा है कि दौड़ना वो इम्प्रोव निकलते हैं और कॉमेडी में उसकी गुंजाइश होती है हाँ लेकिन वो पॉजिटिव इम्प्रोवाइस होने चाहिए उसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए सिचुएशन की ऐसा नहीं है कि मुकेश तिवारी है तो मुकेश तिवारी कुछ भी बोलता रहेगा

कोरोोग्राफ उनके मतलब ब्लॉकिंग उनके असिस्टेंट्स वगैरह कर लेते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके हम लोगों को रेहरसल दिखाते हैं फिर हम लोग अपने हिसाब से उसको करते हैं देन वी विल डू टेक अच्छा तो पहले उनके वगैरह वो ब्लॉकिंग करके दिखाते हैं हाँ, रात में दिस इज हाउ वी आर थिंकिंग ये हाँ, वाला फिर हम लोग अपना उसमें इनपुट डालते हैं कि थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ये पोजिशन हम लोग चेंज करते हैं ये वाला यहाँ पर ले लो ये जैसे अपन अभी बैठ के बात करें वहीं बैठ के बात कर लेते हैं तो जितना लाइव जितना आप गिंटी की गुंजाइश रहा है और सीन में ऊर्जा क्योंकि कॉमेडी में ऊर्जा बहुत चाहिए यदि ऊर्जा थोड़ा सा भी लेक करती है तो वो पंचस जाने लगते हैं और एक ऊर्जा का अर्थ मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बफून रही है बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज मतलब आपकी अटेंटिवनेस और ये कि हाँ एक पंच आए तो कट सक दूसरा देंगे तो और गोलमाल इज ए सीचुएशनल कॉमेडी इट्स नॉट ए एपिस्टिक कॉमेडी तो गोलमाल करके यही मजा आता है कि एक दूसरे को स्पेस देना और कई बार पंचस लाइन बन जाती हैं Uh, मैं आपके ये जब फिल्मोग्राफी को देख रहा हूँ तो इसमें एक महत्वपूर्ण काम जो क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया लेटली वो है स्कैम 2003 थाउजेंड थ्री है ना हंसल मेहता के प्रोडक्शन डायरेक्शन वाली मैं थोड़ा एक फिल्म स्कूल या डायरेक्टर की अप्रोच के हिसाब से समझता जैसे राजकुमार संतोषी के साथ आपने शुरुआत की प्रकाश झा के साथ आपने खूब काम किया है ना उस एक फेज में रोहित शेट्टी का एक अपना स्टाइल है हंसल मेहता इन सबसे इतर है मतलब शुरुआत से ही अब तक उन्होंने जिस तरह की उनकी फिल्मोग्राफ़ी रही और लेटली जो खास तौर पे अलीगढ़ शाहिद या भी ये सब तो उनके साथ क्या आपका आइडिया एक्सचेंज रहा क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब भी इस तरह के उस्तादों के साथ काम करते हैं आप बहुत कुछ सीखते भी हैं और वो भी सीखते सीखने सिखाने का दौर हंसल जी से मेरा संबंध बहुत साल पुराना है जब वो मनोज जी को लेके पिक्चर बना रहे थे मनोज वाजपेयी को लेकर मतले दिलपे मतले यार दिल तब तो तो हम और मनोज भाई और इरफान भाई फिल्म कर रहे थे घात तो नाइट की शूट्स होती थी लोखंड वाला ब्रिज पे तब वो हंसल भाई आते थे बैठते थे तो तब से उनसे साफ का है और लेकिन जब उन्होंने ये ऑफर किया था तो पहले मैं अचक गया था यार फिर से पुलिस के रोल करना है क्योंकि वो ड्रेस पहनते से एक से एटीट्यूड आ जाता है तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं इसको मानवीय रूप देना चाहता हूँ कि आईपीएस ऑफिसर है तो निश्चित तौर पे पढ़ा लिखा होगा और ये व्यक्ति के मनोविज्ञान से खेलता है मैंने बोला अपराधी से उसका कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है कोई द्वेष नहीं है वो अपराधी उसने किया और मेरी ड्यूटी है कि उस अपराध से उसको ले आके उसको सजा कराना है तो इसमें मैं पावर आवर गेम या उसको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता और वो बाब मेरी इस बात से सहमत हुई तो वो रंग उसमें ज़्यादा काम किया है क्योंकि वो ज्यादा घातक सिद्ध होता है और लोगों को लगा इट्स मोर डेडली

लास्ट का एपिसोड जरूर तो हंसल जी ने डायरेक्ट किया लेकिन वो बहुत ही सुल्य हुए हैं और वो भी उनका होमवर्क राइटिंग में पूरा रहता है और वो स्वतंत्रता देते हैं एक अभिनेता को कि आप कैसे करना चाहते हैं इसको तो वो स्वतंत्रता हेल्पफुल भी होती है और सो स्कैम टू थाउजेंड थ्री जो अंदर जो एक पिपासा या प्यास या भूख है उसको थोड़ा शांत तो किया है अच्छा एक चीज़ बताइए दादा कि जैसे ये जो सोकॉल्ड सुपर स्टार्स हैं है ना मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के आ, जिसमें सनी देओल हो गए अक्षय कुमार अजय देवगन आमिर ख़ान शाहरुख खान आपने इन सबके साथ काम किया है एक बड़ा एक ठीक ठाक वर्ग है थोड़ा प्यूर्टन अप्रोच वाला जो ये कहता है हाँ यार ये सुपरस्टार तो हैं पर एक्टर तो, तो वो खारिज करते हैं और एक दूसरा वर्ग जो कहता है नहीं साहब वो एक मास को प्लीज़ कर रहे हैं एंटरटेन कर रहे हैं आप इसको कैसे देखते हैं आपको कमर्शियल सिनेमा में एक चीज़ तो हमें स्वीकार करके चलना पड़ेगी कि मुकेश तिवारी के फेस से जनता थिएटर में नहीं आने वाली एक फेस वैल्यू तो होनी चाहिए उनका मासस में बहुत बड़ा बेस है हाँ उस फिल्म में फिर मैं अपनी अभिनय के दम पे जो लिखा हुआ है उसके प्रति ईमानदारी बरत के मैं थोड़ा चमत्कार कर सकता हूँ लेकिन इस कमर्शियल सिनेमा में इस रियलिटी को नहीं नकारा जा सकता कि नायक नायक है उसको देखने फिल्म लोग आते हैं इस बात को मैं बिल्कुल गंभीरता से मानता हूँ क्योंकि यदि हम बात राज कपूर साहब दिखेंगे याद करो सबसे पहले प्रियंका प्रियंका चोपड़ा याद करेंगे या गंगा जल पार्ट टू याद करो तो प्रियंका चोपड़ा याद आएगी तो जो अगर गंगा जल पार्ट टू याद आए तो

और एक एक प्रोजेक्टर मैन है प्रोजेक्टर मैन वो झांकता रहता है वो वहाँ से और वो सिनेमा देखता रहता है रोज एक ही फिल्म वहीं से वो प्यार करना सीखता है वहीं से राजनीतिक परिस्थितियाँ सीखता है और वही बच्चा बड़ा हो गया तो बहुत बड़ा डायरेक्टर बनता है कंवर और जो प्रोजेक्टर मैन रहता है मतलब सॉरी मैं आपको पूरी नहीं बताता हूँ अब भूल प्रोजेक्टर मैन हमेशा उससे बोलता है कि डोंट वेस्ट योर लाइफ सी सेम सीन अगेन एंड अगेन इट्स बोरिंग लाइफ बोलो नो दिस इज द लाइफ तो एक तरफ अनुभव है और एक तरफ उस बच्चे का कौतुक कौतुक आप आ, ने जो कहा वो हम सब का सच है कि हमने प्यार करना जेंडर पॉलिटिक्स रीजन बहुत सारी चीज़ों के जो हमारा एक इम्प्रेशन बना वो सिनेमा से बना आपका भी बना आपने खूब पॉलिटिकल फिल्मों में काम भी किया जब आप कैलाश विजय के लिए प्रचार करने गए तो वो व्यक्तिगत ताल्लुक ताल्लुक थे या मुकेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं क्या था वो

लेकिन काफ़ी कुछ देता था वो तो उनका जब फोन आया तो मुझे सम्मान की बात लगी और मुकेश ऐसे ऐसा प्रोग्राम है पंद्रह अगस्त का है आपको आना है बाईस साल पुरानी बात बताऊँ चाइन गेट रिलीज हुई थी उसके बाद तो चौकसी जी का फोन आ जाए मतलब मेरे सर तो बोले नहीं बिजनेस क्लास तुम्हारे लिए बोल दिया मुकेश ये बोल दिया हमने सर मैं आ जाऊँगा आपने बोल दिया बहुत बड़ी बात है और मैं गया तब से मेरे उनसे संबंध हैं और संबंध कोई राजनीतिक नहीं है मैंने उनसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिया मैंने कोई उनसे प्लॉट नहीं लिया मैंने कोई ज़मीन नहीं उनसे ली ना मैंने किसी का ट्रांसफर करवाया ना मैंने उनसे किसी से दबच दिलवाई एक रहा बस उसके लिए मैं गया था कि मुझे लगा कि वो हमेशा दुख दर्द में पूछ लेते हैं उनका फ़ोन आ जाता है और जब मान ही रही थी तब भी उनका फ़ोन आ गया था तो मैं उनको किसी और वो भी मुझे मित्र ही मानते हैं उन्होंने मंच से साफ तौर पर कहा कि मैंने मुकेश को नहीं बुलाया मुकेश खुद आया

चुनाव मतलब दो हज़ार बाईस में सागर की महापौर है भारतीय जनता पार्टी से तब भी वो डायलॉग बोला था hmm. जब मैं जाता हूँ तो चाइना गेट के डायलॉग की डिमांड होती है अब उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे लेकिन कमीन अपन कहाँ से लाओगे hmm. तो लोगों को लगा कि ये अपना कमीन अपन बताने के लिए आए हैं कि हम हिम्मत तो बहुत दिखा रहे हो लेकिन टैक्टिस हमें आते हैं तो दैट दे रिलेटेड और नॉट कंट्रोवर्सी मतलब जिस जो जिस आदमी ने ट्वीट किया है वो पैदा भी नहीं हुआ होगा जब रिलीज हुई थी मैं तब से वो डायलॉग बोल रहा हूँ और मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहिए क्योंकि मैं कोई प्रतिक्रिया दिया था तो और राजनीतिक रंग रंग लेता और उस जब आप निस्वार्थ तरीके से आप जा रहे हो कई बार जाना पड़ता है जैसे अब मैं मेरी मैं, मैं भाभी का प्रचार मैंने पिछले साल किया तो इसमें क्या नाम है उनका संगीता तिवारी जी वो महापौर हैं सागर सागर की तो निश्चित भाजपा की टिकट पर भाजपा की टिकट पर और मुझे मेरा फ़र्ज है मैं काम करूँगा ऐसे ही भैया भी मतलब भैया ही बोल रहा हूँ मैंने अब कोई नमस्कार चमत्कार अभी नहीं किया जब जाऊँ पॉलिटिक्स में आएंगे बिल्कुल नहीं मैं कार्यकर्ता बहुत अच्छा हूँ और मैं लोगों को बनते देखना चाहता हूँ और मेरी है कि जो बन जाते हैं वो काम भी अच्छा करें मेरी अंदर से इच्छा है और मेरी ऐसी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है क्योंकि इतने वर्षों में मैंने तीस साल पैंतीस साल जब इसमें जिसमें मैंने देखा है कि कैसे अभिनेताओं की स्थिति होती है राजनीति में आके आपके बहुत अच्छे मित्र हैं पंकज त्रिपाठी जूनियर भी हैं आपके एन के तो उनकी अभी फिल्म आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी तो उसके बाद से भी एक नई सीरीज चर्चा होने लगी है कि और कौन कौन से एक्टर हैं जो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं आपको लगता है कि कोई हाल फिलहाल में मुंबई में आपकी नज़र में आया हो कि यार ये तो पक्का जाएगा ये आप कह नहीं सकते क्योंकि कोई भी इतने तरीके से अभिव्यक्त नहीं करता वो मन में ही रखता है अवसर की तलाश करता है तलाश तलाश करते हैं। तलाश करते हैं। हैं और जब करेक्ट तलाश हो जाती तो मतलब मिल जाता है सो जैसे अभी मैं गया तो मैंने वहाँ सुना लोगों से माधुरी दीक्षित भाजपा के टिकट पर लोकसभा <laughs> हाँ मैंने भी सुना है और वो उनकी व्यक्तिगत च्वाइस जी बिल्कुल उसमें हम प्रश्न नहीं लगा सकते आप नेत्री थी और वन टू थ्री वाला चुनाव के नहीं बिल्कुल चुनाव है और उनको स्वतंत्रता भी होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए आपकी फ्लाइट है मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं तो इस बैठकी को हम फिलहाल यहाँ रोकेंगे जी लेकिन हम एक दफ़ा और बात करेंगे तसल्ली से मैं बिल्कुल तत्पर मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ आपके शो का थैंक यू थैंक यू इतना sir. कोई भी शो मैंने नहीं छोड़ा और, और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो गंभीरता गहनता शालीनता और समयकता प्रश्न की बना के रखी है वो मुझे बहुत प्रभावित करती है थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक्स थैंक भाई थैंक यू बैठकी का सिलसिला चलता रहेगा संवाद का सिलसिला पूछने का सिलसिला जानने का सिलसिला चलता रहेगा ये उपनिषदों की परंपरा का देश है और ललन टॉप का कारवा यूँ ही आगे बढ़ता रहेगा ताकि हम ज्ञान को स्पष्ट सरल और सरस ढंग से प्रस्तुत कर सकें आप बने रहिए हमारे साथ शुक्रिया